जो रैली हाल ही में की गई है उसमें सरकारी मुलाजमों को ज़ोर ज़बरदस्ती से उस रैली में जो है वो लाया गया, उनको थ्रेटन किया गया, उनको ज़ोर ज़बरदस्ती से कहा गया कि अगर वो नहीं पहुंचेंगे तो उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी, और अलग अलग जगह से अलग अलग विभागों के मुलाजमों को गाड़ियों में भर भर के रैली के वेन्यू तक लाया गया और वहाँ सरकारी मुलाजमों के बैठने तक के लिए कोई इंतज़ाम जो है वो देखने को नहीं मिला। तमाम डेली वेजेस को पक्का किया जा सकता था, कॉन्ट्रेक्चुअल्स को पक्का किया जा सकता था, इससे तमाम जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनको रोज़गार दिया जा सकता था, लेकिन ऐसा करने के बजाय इन्होंने ये पैसा जो है इस रैली में अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया और पानी की तरह इस पैसे को बहाया। ये उम्मीद रखते थे कि यहाँ कुछ मिलेगा, जो कुछ हासिल होगा जम्मू कश्मीर को, अगर इतना खर्चा किया जा रहा है तो कुछ ना कुछ रिलीफ जो है वो जम्मू कश्मीर को मिलेगा। लोग किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं उसके बारे में बात नहीं हुई, मुलाजम के बारे में बात नहीं हुई, बेरोज़गार नौजवानों के बारे में बात नहीं हुई, स्टेट को वापस रिस्टोर करने की बात नहीं हुई, असेंबली इलेक्शंस करवाने की बात नहीं हुई, जो पहाड़ियों को यहाँ बुलाया हुआ था, कोलीस को उनको एसटी का दर्जा देने के वादे किए गए थे उनके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुई, डेवलपमेंट की कोई बात नहीं हुई, बिजली की इतनी प्रॉब्लम से यहाँ के लोग आज की तारीख में जूझ रहे हैं कि बिजली का कट कई कई जगह लोग कहते हैं 24 में से 22 घंटे हो रहा है, उसको बेहतर बनाने के लिए कोई बात नहीं हुई, पानी के लिए कोई